फ्रेंड्स, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ताकि हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको काम करने के लिए ऊर्जा मिल सके, है ना। तो ये तीन जो मुख्य स्रोत हैं ऊर्जा के, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों में से एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम एज ए फ्यूल भी बोल सकते हैं कि ये हमें एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह यूज होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को काम करने के लिए, चलने के लिए, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं अपने शरीर से, बोलना है, लिखना है, सुनना है, सोचना है ना, खेल रहे हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी काम हम लोग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें करने के लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखोगे मेनली जो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक शुगर और स्टार्ची या फिर फाइबर का मिला जुला एक योग है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कॉम्बो पैक है जिसमें शुगर, स्टार्च, फाइबर ये सब आते हैं। और इसका अगर केमिकली लेवल पे हम एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का योग है, है ना। अब RDA अगर कार्बोहाइड्रेट की आप देखोगे आपका रिकमेंडेड डेली अमाउंट क्या है, तो लगभग 135 ग्राम ये स्टैंडर्ड NHI द्वारा बताया गया है, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। और अगर हम वैसे ऑन एवरेज की बात करें तो 200 से 300 ग्राम पर डे हम ले सकते हैं, जिसमें 1 ग्राम इक्वल टू 4 कैलोरी होता है। और लगभग अगर पर डे की हम बात करें, अगर 202 ग्राम हम लेते हैं तो 1800 कैलोरी हमें रोज़ लेना चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके मोनो और डाइसैकेराइड्स आते हैं। मोनो और डाइसैकेराइड्स के हैं कि अपना जो शुगर, कितने प्रकार के शुगर बॉन्डिंग के थ्रू बने हुए हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में एक प्रकार का शुगर बॉन्ड होता है, और आपके डाइसैकेराइड्स में दो प्रकार के शुगर बॉन्ड्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जिसमें पॉलीसैकेराइड्स होता है, तो पॉलीसैकेराइड्स में तीन या तीन से ज़्यादा जब बॉन्डिंग्स होती हैं शुगर्स की, तो उन यूनिट्स को पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। तो सिंपल अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि आपका शुगर बहुत आपका तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड शुगर इसमें रैपिडली बढ़ने के चांस रहते हैं सिंपल कार्बो में, जबकि कॉम्प्लेक्स में स्लोली, जब हम उसको कॉम्प्लेक्स शुगर को लेते हैं तो स्लोली ब्लड शुगर बढ़ता है, जिससे हमारा क्या कहते हैं, आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है और आपकी बहुत सारी जो अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं शुगर लेवल बढ़ने की कारण, तो उन चीज़ों के होने से हमें बचाव होता है। तो अगर बात करें सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बेटर है, तो मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कहें पॉलीसैकेराइड्स हमारे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वो हम अभी बात करेंगे। और आपका जो सिंपल कार्बो है वो वेट गेन को भी प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्बो में हमारे क्या होते हैं, मेनली आप देखोगे जितने भी रिफाइंड शुगर्स होते हैं और सिंथेटिक शुगर्स होते हैं, वो सारे सिंपल कार्बो में आते हैं, और उनमें क्या होता है, आपको ना ही प्रॉपर कैलोरी मिलती है, ना ही आपको कोई और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, कोई भी चीज़ और नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से उसमें सिर्फ हमारा वेट गेन होता है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, उसमें हमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक प्रॉपर हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू देता है ना। और ऐसे ही जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में हम अगर देखें किस प्रकार के शुगर्स आते हैं, तो मोनोसैकेराइड में आपके फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे आपके मेनली फ्रूट वेजिटेबल से मिलता है, ग्लूकोज आपके और कई सारी चीज़ों से हम लेते हैं, सीरियल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और ऐसे गैलेक्टोस है जो आपके लैक्टोस के डाइजेशन से बनता है, और डाइसैकेराइड्स में हमारे सुक्रोज आता है जो मेनली शुगर केन से मिलता है हमें, है ना, स्वीट वेजिटेबल से मिलता है, रूट से मिलता है। सेकंड माल्टोस आता है जो वीट, माल्ट इनसे मिलता है। थर्ड लैक्टोस जो मिल्क
डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है, तो ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हो गए। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमारा स्टार्च होता है, तो हमारे सीरियल्स, पोटैटो, ये सारी चीज़ें पॉलीसैकेराइड्स में आती हैं, है ना। तो आप देखोगे अब जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कार्बो में, तो गुड कार्बो और बैड कार्बो, ये दो चीज़ें और हम देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। गुड कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिनमें आपकी कैलोरी लो होती है, आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हाई होती है, इसमें कोई भी रिफाइंड शुगर या ग्रेन्स नहीं होते हैं, आपका फाइबर वैल्यू इसमें हाई होती है, आपके सोडियम वैल्यू इसमें लो होती है, आपका सैचुरेटेड फैट जो है इसमें लो होता है गुड कार्ब में, और कोलेस्ट्रॉल भी लो होता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हमें गुड कार्ब्स में मिलती हैं, और जबकि बैड कार्ब हमारे लिए कुछ नुकसान करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका कैलोरी हाई होती है ना, अनवांटेड हमें फैट्स मिलेगा, और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें कम होती है, जो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर ये चीज़ें ये इसमें कम होती हैं, आपका इसमें एक्सेस आपका रिफाइंड शुगर होता है हाई लेवल पे, आपका फाइबर जैसा मैंने बोला कि लो लेवल पे होता है, सोडियम इसमें हाई होता है, और सैचुरेटेड फैट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम बैड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और इसका अगर एग्जांपल आप देखो तो ये जितना भी हम सोडा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जिनमें मेनली सिंथेटिक शुगर यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बैड कार्ब्स हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है ना। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी के कारण हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी प्रॉब्लमेटिक कब होती है कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट टैंक हमारी बॉडी में कम है, तो बॉडी जो एनर्जी लेती है वो प्रोटीन से लेना शुरू करती है, है ना। और अगर आप देखो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हमारा अगर 4 कैलोरी हमें चाहिए, तो इन इक्विवेलेंट प्रोटीन भी 4 कैलोरी ही हमारा जनरेट करके हमें दे सकता है उतने ही अमाउंट में। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी दे रहा है, तो 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरी देगा। बट इन केस अगर फैट की हम बात कर रहे हैं, फैट इसका जस्ट डबल 7-8 कैलोरी जनरेट करता है सिर्फ 1 ग्राम में। इस वजह से फैट अगर हम एक्सेस में लेते हैं बॉडी में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो कार्ब्स के डिफिशियंट होने पे प्रोटीन्स को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, बट प्रोटीन अगर हम एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे, तो हमारी जो मसल एक्टिविटीज़ होनी है, जो मसल का डेवलपमेंट होना है, वो होने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोटीन हमारा एज ए फ्यूल यूज हो गया, है ना। तो कई सारे और हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं बॉडी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, तो उनके होने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर प्रोटीन एज ए हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो किडनी का भी लोड बढ़ता है, और जिस वजह से इवन ये समझो यूरिनेशन में भी हमें प्रॉब्लम आती है, पेन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और अगर हम बेनिफिट्स देखें, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी हमें फ़ायदा देता है, हमारे आपकी हार्ट हेल्थ पे भी हमें फ़ायदा देता है, अगर हम गुड कार्ब्स ले रहे हैं प्रॉपर वे में, है ना। और जैसे सिंपली अगर सिंपल राइस भी हम लेते हैं, तो वो भी बैड कार्ब्स में आता है, नॉट ए गुड कार्ब्स। सो हमें गुड कार्ब्स लेने चाहिए, जो ताकि हमें हर तरीके से हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू दे सके।